नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। मुरैना जिले के दतहरा गांव और चंदुकापुरा में खूनी संघर्ष हुआ, जो कि थाना माता बसैया के अंतर्गत आता है। खूनी संघर्ष चंदुकापुरा देवेंद्र गुर्जर, ब्रिजेश गुर्जर, लालजीत गुर्जर और 2-3 साथियों के साथ मिलकर दतहरा के सोनू भदौरिया और सुरेश सिंह भदौरिया गंभीर रूप में घायल कर दिया। इनको ग्वालियर रेफर कर दिया गया है, जहां ग्वालियर में इलाज चल रहा है। ये खूनी संघर्ष 14 अगस्त शुक्रवार शाम 6 से 6:30 के बीच में हुआ था। ये झगड़ा भैंस चराने को लेकर हुआ था। इस खूनी संघर्ष को अब तक 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा राजनीतिक दबाव के कारण अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की है। ग्रामीणों का आरोप है कि थाना प्रभारी महेश शर्मा ने गुर्जर समुदाय से पैसे लेकर हमारी FIR दर्ज नहीं की है, और राज्य मंत्री गिरिराज डंडोतिया ने गुर्जरों का समर्थन किया। ग्रामीणों के कहे अनुसार जब ग्रामीणों ने बसैया थाने में फोन लगाया और कहा दतहरा गांव और चंदुकापुरा में झगड़ा हो गया है, तो आप यहां आ जाइए। उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी में डीजल नहीं है, और उनको लेने के लिए चंदुकापुरा में गाड़ी लेकर पहुंच गए। उनको लेकर आए प्रशासन द्वारा, उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। इसको लेकर दतहरा के ग्रामीण आक्रोशित होकर 5 से 6 ट्रैक्टर में 250 से 300 आदमी SP ऑफिस पहुंचे। मुरैना SP सुजानिया साहब नहीं थे, इसलिए उन्होंने एडिशनल SP मुरैना को आरोपियों पर उचित कार्यवाही हो और हमारे साथ न्याय हो। ग्रामीणों ने आरोपी मुरारी गुर्जर द्वारा धमकी दिए जाने का विवरण भी प्रस्तुत किया। माननीय श्री एडिशनल SP ने उन्हें पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया। AMSC के आधार पर आरोपियों पर उचित कार्यवाही कर FIR दर्ज की जाएगी। मुरैना से संवाददाता विनोद सिंह तोमर की रिपोर्ट। मैं था मौजूद डीजल, जो कि डीजल नहीं है गाड़ी में। अच्छा, वहाँ के लिए डीजल था, वहाँ के लिए डीजल था, वो गाड़ी उनको ले आई। झूठ बोल रहे हैं, क्यों नहीं बनना है केस? पैसा की चोट से गुजर पैसा दे रहे हैं, नेता नगरी है राज्य गुजर द्रोगा जी को खा रहा है, द्रोगा जी खा रहे हैं और को खा रहा हूँ। नेतागिरी कौन कर रहा है? केला डंडोती क्या क्या कहते हैं? मैंने प्रशासन में थानो दावे दो, रिपोर्ट ही ना लाई। अपने स्टाफ को बुला ले शर्मा जी कहीं से लाके। भाई साहब, आप ज्ञापन लेने आए हो, ये क्या मामला है? कल दतहरा गांव में कुछ गुर्जरों द्वारा भदौरिया साहब के खेत में अपने जानवरों को लेकर के चराने का प्रकरण था, जिसमें भदौरिया परिवार द्वारा उनको अपने खेत से जानवर ले जाने के लिए कहा, जिस पर गुर्जर परिवार के लोगों ने भदौरिया परिवार के लोगों को बड़ी बुरी से मारा, जिसके कारण उनकी मरणासन हालत में सभी लोग उन्हें अस्पताल लेकर आए। पुलिस द्वारा कल से लेकर के आज तक FIR दर्ज नहीं की गई है, जिस कारण आज पुलिस अधीक्षक के ऑफिस में सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहां पर आए हैं, और यहां पर हमें SP साहब सुजानिया साहब नहीं मिले हैं। एडिशनल SP साहब से हमारी बात हुई है, और हमने निष्पक्ष रूप से जो कल घटना घटी है उसमें जांच कर FIR करें, तथा विरोधी पार्टी झूठी रिपोर्ट कराने के चक्कर में पुलिस पर दबाव बना रही है, राजनीतिक दबाव भी बनाया जा रहा है। अतः हमने निवेदन किया है कि फरियादी के साथ उचित न्याय किया जाए और FIR करा करके इनकी सुरक्षा भी की जाए, क्योंकि वो लोग इन्हें कल अस्पताल में मारने की तथा गांव आने की तथा खेत पर खेती करने की धमकी दे चुके हैं। कौन लोग हैं जो धमकी देते हैं? वो गुर्जर परिवार के लोग हैं, जैसे ये फरियादी के ताऊ खड़े हैं, उन्होंने बताया अभी मुरारी नाम है। SP साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? एडिशनल SP साहब ने ये आश्वासन दिया है कि मैं निष्पक्ष रूप से जांच करवाऊंगा, और MLC के आधार पर
आपकी तत्काल रिपोर्ट FIR लॉन्च की जाएगी तथा कोई भी से डरने की बात नहीं है, आप गांव में आराम से रहिए, सुरक्षा की दृष्टि से वहां पुलिस की व्यवस्था की जाएगी। हम सभी लोग यहां पर आंदोलन करेंगे, धरना देंगे।